बाद में हो गया। चलो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल। आर्टिकल में ए और एन का ऑलरेडी हम लोग प्रयोग पढ़ चुके हैं, आज द का पढ़ेंगे। द कौन सा आर्टिकल है? डिफिनिट आर्टिकल है। डिफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है द ताजमहल। ताजमहल, ताजमहल दुनिया में सब जगह है, दुनिया का सातवां अजूबा होता है ताजमहल। चीन का दीवार देखे हैं, वॉल ऑफ चाइना, चाइना का जो दीवार है। आप अंतरिक्ष यात्री में कभी जाइएगा या बहुत ऊंचाई पर जब चले जाइएगा तो वहां से दिखता है आपका। सैटेलाइट से भी देखते हैं लोग कि चीन का दीवार दिखता है। पृथ्वी को जब जूम करते हैं लोग, दिखाता है ना, तो उस समय चीन का दीवार आपको दिखता है। द चाइना वॉल, आपका द ताजमहल, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक अमेरिका में भी है, अभी हम लोग का सरदार वल्लभ भाई पटेल का बना हुआ है, ये भी ऊंचा है, इसका भी नाम द के कंडीशन में आ जाएगा। दुनिया में जितने भी फेमस चीज है, जैसे द अमेजन फॉरेस्ट इन अमेरिका, अमेरिका का जो द अमेजन जंगल है वहां का वर्ल्ड फेमस है, तो उसमें भी क्या लगता है? द लगता है। हमारे देश में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ द लगता है, द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को लमसम देश, बहुत सारे देश के लोग जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका के लोग हों, चाहे अमेरिका के लोग हों, चाहे कहीं के भी लोग हैं, महात्मा गांधी को जानते हैं। तो महात्मा गांधी के साथ क्या लग जाता है? द महात्मा गांधी बोल दीजिए या फिर एम जी गांधी बोल दीजिए, एम जी या फिर एम गांधी बोल दीजिए, एम गांधी, ठीक है। एम गांधी मतलब महात्मा गांधी, याद रहेगा। दुनिया का जितना भी फेमस चीज है, गंगा नदी के बारे में कौन नहीं जानता है? हाँ, होली ऑफ रिवर, गंगा पवित्र नदियों में जिक्र आता है गंगा नदी का, तो गंगा नदी को कौन नहीं जानता है? नील नदी, दुनिया की सबसे जो लंबी नदी होती है। द लॉन्गेस्ट रिवर, नील रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर, मतलब उसमें भी द लगता है क्योंकि दुनिया का सबसे क्या है, लंबा नदी है ब्रह्मपुत्रा, द ब्रह्मपुत्रा रिवर। गंगा नदी से बड़ा आपका नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी, और इंडिया में सबसे ज्यादा लंबी नदी कौन है? गंगा। गंगा का जो दूरी है आपका 25-25 स्क्वायर में फैला हुआ है, कोई कोई कहता है 25-10 भी सही है, 25-25 भी कोई कोई बोलता है, ठीक है। गंगा नदी द लगेगा, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद आपके जितने भी रिलीजियस बुक है, आपके धार्मिक ग्रंथ है, जैसे द रामायणा है, द महाभारता है, द कुरान है, द बाइबल है, इनके साथ भी क्या लगता है? द लगता है। तो आप कॉपी निकालिए और जो बोल रहे हैं लिखिए उसको। चलिए सब लोग नोट डाउन कीजिए इसको, इसको मत कीजिए, जो बोल रहे हैं उसको कीजिए। देखिए विथ ऑफ, देखिए विथ फेमस प्लेस यूज ऑफ आर्टिकल द फेमस प्लेस विथ फेमस प्लेस यूज ऑफ आर्टिकल द यूज ऑफ आर्टिकल द नंबर वन द फेमस माउंटेन उसी में लिखिए, लाइक द हिमालय। हिमालय बहुत बड़ा माउंटेन है ना, उसके अंडर में कौन सा है? द माउंट एवरेस्ट, उसी में लिखिए कोमा लगाकर, द माउंट एवरेस्ट, द कंचनजंगा, आराम से लिखिए, द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट हो गया, द कंचनजंगा, चलिए दो नंबर लिखिए जी, दो नंबर लिखिए, लाइट ऑफ हो गया है, देखो द माउंट, क्या बोले इसको, एक पर कर लो मनु, उसको थोड़ा पंखा को एक पर कर लो, हाँ एक बार खींचो, एक बार और खींच दो, बस छोड़ दो, आराम से बैठो, ठीक है, हो गया। उसके बाद लिखिए, हो गया, लिखिए द होली बुक विथ, हाँ दो नंबर लिखिए, द होली बुक, पवित्र ग्रंथ होते हैं, द होली बुक, आवाज कर रहा है, हाँ द होली,
हाँ हाँ द होली बुक्स यस लगा दीजिए इसमें, लाइक द रामायण, द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान, इसमें का लिखिए, लिखने आ जाएगा बोर्ड पर, लिख दें, लिखना चाहिए आपको सुनकर, ठीक है। द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान, ठीक है, हो गया। चलो इसके बाद लिखिए, तीन नंबर में लिखिए, विथ होली रिवर, विथ होली रिवर, विथ होली रिवर, विथ विथ होली रिवर लाइक, विथ होली रिवर लाइक द गंगा, द नील रिवर, द गंगा रिवर, द नील रिवर, फिर लिखिए द ब्रह्मपुत्र, द ब्रह्मपुत्र, हो गया। कंप्लीट। इसके बाद लिखिए इंग्लिश विथ इंग्लिश न्यूज़पेपर, नंबर फोर विथ इंग्लिश न्यूज़पेपर। देखिए कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर रहता है तो उससे पहले जो उसका टाइटल रहता है उसमें वर्ड जो रहता है उसमें द का प्रयोग रहता है, ठीक है। आप हाँ आप लिखिए विथ इंग्लिश न्यूज़पेपर, विथ इंग्लिश न्यूज़पेपर लाइक, एग्जाम्पल में लाइक लिखिए आप लोग, लाइक, लाइक का मतलब जैसे, या आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक्स टाइम, ईटीसी, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए, फाइव नंबर, अभी लिखो, चलिए हो गया। नेक्स्ट लिखिए बिफोर आर्टिकल, लिखिए विथ बिफोर आर्टिकल, विथ लगा दीजिए पांच नंबर में, विथ सॉरी आर्टिकल नहीं, आर्टिकल नहीं, विथ बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, मतलब इन सुपरलेटिव डिग्री, सॉरी विथ विथ इन सुपरलेटिव डिग्री, विथ इन सुपरलेटिव डिग्री, या विथ सुपरलेटिव डिग्री लिखने दीजिए, इनको हटा दीजिए, दो प्रीपोजिशन मिल जाएगा यहाँ पर, थोड़ा काटना पड़ेगा इसको यहाँ से, सीधे लिखिए विथ सुपरलेटिव डिग्री, एस यू पी ई आर, एस यू पी ई आर, डिग्री लिख दीजिए, डी ई जी ई है ना, ई आर, डिग्री हो गया विथ सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। जैसे द बेस्ट लाइक लिखिए, द बेस्ट, द नियरेस्ट कोमा लगाकर, द लॉन्गेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द बिगेस्ट, हो गया, द टॉलेस्ट, मोस्ट लिखिए, मोस्ट हैंडसम या ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल लिख दीजिए या हैंडसम लिख दीजिए, उसके साथ मोस्ट लगता है, द लगाना पड़ता है, इन सबके, इन सबके पहले क्या लगता है, द लगता है, द लॉन्गेस्ट, द बेस्ट, द नियरेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये जो भी लगते हैं वर्ड, ये द द पहले लगते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। उसके बाद लिखिए सिक्स नंबर में, ग्रेट पर्सन विथ ग्रेट पर्सन,
मतलब इनके साथ भी लगता है, विथ का मतलब के साथ, ठीक है, विथ ग्रेट पर्सन, द महात्मा गांधी, द महात्मा गांधी हो गया। ग्रेट पर्सन में ऐसे पर्सन जिनका पूरा वर्ल्ड में नाम है, ठीक है ना, महान आदमी हो चाहे जैसे भी हो लेकिन उसका पूरा नाम है ना। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम इंडिया में है, इंडिया से बाहर जाइएगा देख सकते वैज्ञानिक है, याद है ना, बिल गेट्स दुनिया का सबसे धनी इंसान था। तो उसके बाद फिर नंबर चेंज होते रहता है, तो उसमें बिल गेट्स का नाम भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल में तो महात्मा गांधी लिख दीजिए। द शेक्सपियर ड्रामा भी होता है, शेक्सपियर का ड्रामा भी फेमस होता है, वर्ल्ड में पूरा फेमस है इसका। और इसके साथ आपका द अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम भी पूरा विश्व में है, इसका नाम लिख लीजिए, द अल्बर्ट आइंस्टाइन। शेक्सपियर जो है उसका ड्रामा और कहानी जो होता है ना पूरा वर्ल्ड में फेमस होता है, इंग्लिश के बहुत सारे किताब में आपको मिल भी जाएगा इसका, विश्व के बहुत सारे देश में इसका नाम है, ठीक है। अपने बापू हैं महात्मा गांधी है, उनका भी नाम है, ठीक है, हो गया बच्चा। तो इनसे पहले मतलब इतना हुआ ना, सात को हो गया ना, तो इन सबसे पहले क्या लगता है, इन सबसे पहले द का प्रयोग लगता है, तो आप द समझ सकते हैं। अभी कभी हिमालय लिखने के लिए हो तो केवल हिमालय मत लिखिए, द हिमालय लिखिए, क्योंकि वर्ल्ड फेमस है, समझ में आ रहा है। कोई न्यूज़पेपर का नाम लिखना है उसमें द लगाइए, कोई ग्रेट पर्सन उसमें क्या लगाइए, द लगाइए। अब लिखिए कि कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, नेक्स्ट लिखिए, एक लाइन छोड़कर लिखिए कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, हाँ इंग्लिश में लिख दीजिए, रिस्ट्रिक्शंस या नो यूज ऑफ द आर्टिकल, नो यूज ऑफ द आर्टिकल लिख दीजिए, उसमें एक नंबर डालिए, लाइट बढ़िया आ रहा है मेरे पे, हंसो मत हंसो, तो इसमें आ जाएगा सब, एगो दो बोल रहा था कल उसमें आ गया था सब, ये सब नहीं बोला, तो काटना ही पड़ेगा, कितना हम काटेंगे, सुनाई देगा, चलो चलिए देखिए। किसी भी बीमारी के साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, अच्छा देखिए बीमारी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एनी इल कंडीशन, इल मतलब बीमार होता है ना, हो एनी इल कंडीशंस, इल कंडीशंस मतलब बीमार हो गया ना। जैसे मान लीजिए आपको किसी को फीवर है, किसी को पेन है, किसी को कफ है, तो इसमें कोई भी थायराइड है, कोई बीमारी हो उसके लिए हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई भी बीमारी के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, हो गया। लाइक डाल के तुम लिख सकते हो, बीमारी मतलब कोई भी बीमारी हो जाए, हो गया, खांसी को कफ कहते हैं, सी ओ यू जी, हाँ ओ जी होता है, ठीक है, कफ हो गया, कंप्लीट है। उसके बाद लिखिए किसी सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, डोंट यूज द आर्टिकल विथ एनी सब्जेक्ट, डोंट यूज ऑफ आर्टिकल विथ एनी सेंटेंस विथ एनी सब्जेक्ट, डोंट यूज ऑफ आर्टिकल विथ एनी सेंटेंस एनी सब्जेक्ट, हो गया। लाइक मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एनी कोई भी आप चार विषय लिख दीजिए उसमें, इसे आपको याद रहेगा कि किसी विषय में हम नहीं डालेंगे। जो हिंदी में लिखना चाहें वो हिंदी में भी लिख सकते हैं, किसी विषय के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, हिंदी वाले भी लिख सकते हैं हिंदी में, हो गया, हाँ लिखिए, नो यूज विद द एनी कलर या फिर कलर लिख दीजिए, किसी कलर के साथ आर्टिकल का उपयोग नहीं होगा, नो यूज ऑफ विथ कलर्स, किसी भी रंग के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लाइक रेड, ब्लू, ब्लैक, स्ट्रॉबेरी, पिंक, है ना, डार्क ब्लू, डार्क स्काई, कोई भी कलर विथ, हो गया,
क्लियर हो गया सबका? उसके बाद लिखिए, तीन नंबर पर कर लो उसको, एक एक बार और खींच लो, बस छोड़ दो, चलने दो, आवाज़ नहीं कर रहा है, बस ठीक है, हो गया बच्चा। उसके बाद लिखिए, डोंट यूज ऑफ एनी रिलेटिव, डोंट यूज ऑफ एनी रिलेटिव, डोंट यूज ऑफ आर्टिकल या फिर एनी रिलेटिव, किसी भी रिलेटिव के साथ हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, किसी भी रिलेटिव के साथ हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, किसी भी आर्टिकल में, किसी भी रिलेटिव के साथ हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल का उपयोग नहीं करते हैं। हो गया बच्चा, कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ?